फ्रेंड्स, हमें कभी कभी कुछ भी समझ में नहीं आता हम खाने में क्या बनाएं, बच्चों को टिफिन में क्या दें। ऐसे में आप मूली की पूरी बना सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, मेरी आज की रेसिपी है मूली की पूरी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मूली ली है। मूली को अच्छी तरह से छीलना है और छीलने के बाद उसे हमें पानी से धो लेना है, और धोने के बाद हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। सच में फ्रेंड्स, ये बनाना बहुत आसान है और बेहद स्वादिष्ट बनती है। एक बार तो इसे जरूर ट्राई कीजिए, तो आप बार बार इसे बनाएंगे। और इसमें अभी हम डालने के लिए हमें इसमें लगेगी अजवाइन, हरी मिर्च जो कि लाल हो चुकी है, हरा धनिया और स्वाद अनुसार नमक। अजवाइन को थोड़ा सा हाथ में हम इस तरह से मल के रगड़ के डालेंगे, जिससे उसका फ्लेवर एक्टिवेट हो जाता है। और हल्दी, हल्दी से कलर बहुत अच्छा आता है पराठा और पूरी का, तो वो भी जरूर डालना, स्किप मत करना। हरी मिर्च को, मीन्स लाल मिर्च को मैंने बारीक बारीक काट ली है, हरा धनिया और नमक सबको डाल के हमें स्वाद अनुसार नमक डाल के हमें इसे हाथ से अच्छी तरह से मलना है। उससे मूली को जब भी हम नमक लगाते हैं तो वो अपना ही पानी छोड़ने लगती है, इसीलिए हमें ना आटे को गूंदने के लिए पानी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं लगेगी। इसी मूली के पानी में हम आटा गूंदेंगे। इसके लिए मैंने लिया 1 कप आटा, और सिर्फ 1 कप ही आटा लेंगे। इसके बाद हम इसमें बिल्कुल भी आटा नहीं डालेंगे। अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम धीरे धीरे उसमें सूजी डालेंगे। पहले मैंने 2 टेबल स्पून ली, और उसे 2 टेबल स्पून लेके मैंने उससे आटा गूंदा। और जब मुझे लगा कि नहीं, मेरा आटा गीला है, तो मैंने उसमें फिर से और 2 सूजी डाली, क्योंकि सभी सभी को पता है कि सूजी अच्छी तरह से पानी पीती है, तो सूजी ही डालिएगा और पूरी भी अपनी करारी बनी। मूली के पानी से ही अपना आटा रेडी हो चुका है। इसे थोड़ा ऑयल लगाएंगे, ऑयल लगाना जरूरी है, नहीं तो वो आटा हाथ में चिपकेगा। अब छोटे छोटे से हम इसके गोले बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से छोटे छोटे से मैंने इसके गोले बना लिए हैं। इस तरह आप भी इस गोले को बना के एक तरफ रख दीजिए, जितनी भी हमें पूरी बनानी है। अब इसको दोनों तरफ हमें तेल लगाना है। दोनों तरफ तेल लगा के हम अब इसको बेल लेंगे। बेल लेना है इसे हमें, और एक तरफ अपना तेल गर्म करने के लिए हम रख देंगे। और पूरी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, देखिए इतना थिकनेस उसका होना चाहिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, और हमें फ्लेम मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना, नहीं तो जल जाएगी और अंदर से वो अच्छी तरह से पकेगी नहीं। इस तरह आप एक एक करके आपकी सारी पूरियाँ फ्राई कर लीजिए। और फ्राई करने के बाद इसे हम टिश्यू पेपर पर रखते जाएंगे। इस तरह मैंने सारी अपनी पूरियाँ बना ली है। और सच में फ्रेंड, इसके साथ हमें किसी सब्जी की ज़रूरत नहीं लगती है। आप चाय के साथ ले सक इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप अचार या चटनी, हरी चटनी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है ये पूरी। और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे पूरी नहीं बनानी है, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, सच में इतनी क्रिस्पी और अच्छी लगती है ना, आप तो ऐसे ही उठा के खाते जाएंगे, आप रोक ही नहीं पाएंगे अपने आप को। तो मैं आपसे कह रही थी कि अगर आप चाहें तो पराठा बना सकते हैं। ये देखिए, ऐसे बड़ा गोला बना लीजिए और अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक के करारा पराठा बना सकते हैं, और गरम गरम चटनी के सॉरी गरम गरम चाय होती चटनी नहीं चटनी के साथ खा सकते। तो फ्रेंड, जरूर ये रेसिपी मेरे ट्राई कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और अपना फीडबैक भी मुझे जरूर जरूर